है जी चांपों का पहाड़, 16 ओरियो मंचूरियन, 17 डिशेज प्लेट में मैं अब तक डाल चुका हूँ। सबसे पहले जैसे आप इनके किचन में आते हैं तो आपको फ्राइड राइस मिल जाते हैं, चिकन मंचूरियन मिल जाता है, आपको यहाँ पे चिकन चाउमीन मिल जाएगा, चिकन वेजिटेबल है, फिर यहाँ पर आपको इनकी जो है वो मटन कढ़ाई आपको मिल जाएगी यहाँ पर, इसके आगे साथ आपको चिकन कढ़ाई मिल जाएगी। और इनकी सबसे मजे की चीज़ है जितनी डिशेज आपको नज़र आ रही हैं साथ साथ कढ़ाई में फ्रेश तैयार हो रही हैं। अच्छा जी, फ्राई बटेर भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, डिनर में भी मटन पाए मिल जाते हैं, आलू गोभी, पालक गोश्त, चिकन कोफ्ते, चिकन हलीम, बीफ निहारी मिल जाएगी, मिक्स दाल राइस भी आपको मिल जाएगी। ज़बरदस्त जो है नहीं वो टेंडर इनका यहाँ पे लैम है और राइस है, बस ये ट्राई करके पता चलेगा। फिर आपको इस साइड पे जो है इनकी वैरायटी ऑफ डिज़र्ट मिल जाती है, जिसमें इनका ये पेठा हलवा है, गुलाब जामुन मिल जाएंगे, फिर आपको इनकी पुडिंग मिल जाएगी, ये जर्दा बड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें ठूठियाँ हैं, इसमें आपको केक मिल जाएगा, आपको इसमें गजरेला मिल जाएगा, कस्टर्ड और जेली है, सेवियाँ हैं, ये इनकी जो है मटन चाँप है, मटन तवा चाँप। ये है इनका चिकन कबाब, ये चिकन टिक्का है, ये क्या, ये मटन गोला कबाब है, चिकन मलाई बोटी है। इनकी रीफिलिंग का जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर पीछे जो है वो खड़े हैं शेफ, उसी वक्त बनता जा रहा है, साथ साथ आपको वो फिल करते जा रहे हैं। और यहाँ पे इनका लाइव तंदूर, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ नान है, फिर आगे चलते हैं ये दिखा दो, वैसे हलवा है, चने हैं, भुजियाँ हैं, ये सरसों का साग भी है, वाह, मकई की रोटी भी है जी, ये पानी में रखा हुआ है ताकि वो मक्खन जो है ना वो जम ना जाए। और यहाँ में सर ये जो फिश है वो कौन सी, रोहू निकालते हैं फ्राई में या, अच्छा ये वो विदाउट जो कांटा होती है, ठीक है, लाहौरी फिश और ये है रोहू, मतलब दोनों फिशेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे इनका फास्ट फूड का सेक्शन है, जहाँ पे इनके गार्लिक ब्रेड है, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा हैं, और ये भी साथ साथ जो है ये ग्रिल के ऊपर इनका जो है वो फ्रेश तैयार होता रहता साथ। और यहाँ पे आलमोस्ट जो है वो 70+ डिशेज आपको मिलती हैं। मैं अगेन आपको बता दूँ, किसी भी बफे के अंदर जब नंबर ऑफ डिशेज आते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर एक एक सैलड की डिश भी है वो जो इंक्लूड होती है। मेन कोर्स आपको बता दिया, इसमें आपको मटन कढ़ाई मिल जाएगी, यहाँ पर आपको चाइनीज़ वैरायटी मिल जाएगी, लाइव बारबेक्यू मिल जाएगा, मटन बारबेक्यू मिल जाएगा, चिकन भी मिल जाएगा, फिर आपको होल लैम मंदी यहाँ पर, या अफगानी राइस विद लैम मिल जाएंगे आपको, फिर आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स और बेशुमार वैरायटी है जितनी आपको यहाँ पे विजिट करवाई है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो साल्टन पेपर, आपको अगेन लोकेशन समझा देता हूँ, साल्टन पेपर की जो लोकेशन है वो जैसे ही आप सिटी साइड से आ रहे हैं, गुजरावाला सिटी से आ रहे हैं, तो आपको कैंट के बाद, DHA के बाद लेफ्ट साइड पर रिदा मार्केट के साथ साल्टन पेपर मिलता है। इसी तरह अगर आप पिंडी साइड से या गुजरात साइड से आ रहे हैं तो आपके राइट साइड पर आपको, जैसे ही आप गखड़ क्रॉस करेंगे तो आपको राइट साइड पर आपको साल्टन पेपर मिल जाएगा। और अब एक जो है वो प्लेट बनाते हैं, कि कोशिश करते हैं कि एक प्लेट के अंदर सारी डिशेज जो है ना वो आपको मैं चेक करवा दूँ। अच्छा, डिशेज गिनते हैं कितनी है, 11-12 के बाद काउंट नहीं किया था ना अभी, हाँ नहीं किया था, 16 और ये मंचूरियन, 17 डिशेज प्लेट में मैं अब तक डाल चुका, ये रहू है ये डाल के 18, यानी कि 18 तो इसमें वो वाली डिशेज हैं जो ऑलमोस्ट आप इसको मेन कोर्स की डिशेज कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सैंडविच और बर्गर वगैरह मिल जाएंगे, प्लेट में माशाल्लाह जगह भी है, और अब तक जो है 17 डिशेज इसके ऊपर आ चुकी हैं इसमें, और मैं इसलिए नहीं रख रहा कि फूड वेस्ट ना हो, और ये बात आप भी ज़रूर माइंड में रखें, मैं पहले ही वीडियो में भी आपको मेंशन कर चुका हूँ, कहीं भी बफे में जाते हैं तो उतना प्लेट में डालें जितना आप खा लें, आप 10 दफा आएँ यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अपना फूड वेस्ट होने से बचाएं। तो अब जो है आगे चलते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, आप यहाँ पे शेफ़ हैं, अच्छा मुझे ये बताइए, ये माशाल्लाह मर्दों के लिए तो काफ़ी यहाँ पर डिशेज़ हैं, तो ख़वातीन के चटपटे के लिए क्या क्या आप यहाँ, अच्छा गोलगप्पे, पापड़ी चाट, दही बड़े हैं, ठीक है, अच्छा, अच्छा पान वो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। अब आपको इनके रेट्स वगैरह बता दूँ, उससे पहले मैं आपको जो है ना, अच्छा एक दिन की स्लॉट्स बता दें, डिनर की है आपकी, डिनर की 2 स्लॉट होती हैं, ठीक है, एक 7 से 9 बजे तक रहेगी 2 घंटे के लिए, ठीक है, और फिर 9:30 से 11:30 तक रहेगी 2 घंटे, 9:30 से 11:30 तक दूसरी स्लॉट है, तो वो हाँ रिजर्वेशन आपको कमेंट में मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से रिजर्वेशन भी करवा दें। अब इनके मैं रेट बता दूँ आपको, इनका जो रेट है बुफे का
वो 3474 रुपये आपको पड़ता है टैक्स डाल के, और डिशेज आपको सारी दिखा दी हैं, मेन कोर्स भी दिखा दिए हैं, सारी डिशेज भी, डिजर्ट भी आपको सारे बता दिए हैं। इसके बाद आपका फैसला, अगर आप यहाँ पर आना चाहें, इनका एम्बियंस बड़ा मज़े का है, आप यहाँ पर आकर इनका एम्बियंस इंजॉय करें। और एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर अलागार्ड नहीं है, सिर्फ बुफेज हैं, आपको ब्रेकफास्ट बुफे मिलेगा, वो सिर्फ संडे को मिलता है, हाई टी इनकी लंच और डिनर बुफे वो आपको ऑल वीक छः दिन मिलता है, सात दिन मिलता है। और आपको मैं गोल्डन रूल बताता हूँ, आप जब भी बुफे में आएँ तो आपने हमेशा जो है डोंट टच द नान, समझ आइए आपको। चले एक रूल मैं भी आपको बताता हूँ, जब भी आप बुफे पे आए किसी और के पैसों पे आए, जैसे तुम मेरे पैसों पे आए, ऐसे ऑब्वियसली समझ रहे हो, खाने का भी मजा आए और फील भी ना हो कुछ। और विराट ने नया एडिशन आप तक पहुंचा दिया, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।